स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो अज का अपना होएगा चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ आप कह सकते हैं एलीमेंट्स। ओके सो ये आप पीरियोडिक टेबल बारे तो उन्होंने चीज़ों बारे जी गलबात करांगे। सो जो थोड़ा चैप्टर है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़े जे रट्टे लाने पैणगे क्योंकि ये याद नहीं हुंदा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन जिहड़ा वो तुहाडा आप कह सकते हैं कि अटोमिक नंबर हो गया जिवें परमाणु अंक हो गया, ठीक है, मास नंबर हो गया जिवें पुंज संख्या जिहड़ी है वह होगी, इन्हां दे उपर जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा वो एज इट इज़ पुछ लिया जाता है। सो तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इहदे विचों प्रोपर जिहड़े वो निकलणगे ही निकलणगे, वध तो वध चार क्वेश्चन जिहड़े वो भी आ सकते हैं, बट 35 क्वेश्चन ने तो चैप्टर ज़्यादा ने, तो 3 क्वेश्चन मैक्सीमम इस चैप्टर दे विचों निकल सकते हैं। सो सब तो पहले अपने कोल है मिलान करो, कॉलम 1 ते कॉलम 2 दे विच तुहानू दित्ता है कार्बन दा अटोमिक नंबर, तुसीं दसना है अटोमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, वह आपां पिछले चैप्टर दे विच भी कीती सी, परमाणु संख्या नहीं सॉरी उहदा परमाणु जिहड़े सी उहदे कोल जिन्हें इलैक्ट्रॉन सी उहनां दा वर्गीकरण देखना तुसीं, जिवें आपां शैल्स दे विच इलैक्ट्रॉन भरदे आ जिवें 2, 4, ठीक है, ये बराबर हो गए 6, तां कार्बन जिहड़ा है उहदा अटोमिक नंबर अपने कोल 6 हुंदा, परमाणु संख्या 6 हुंदी है, तो उन्होंने आप किवें अलग अलग करांगे, पहले दे विच जिवें अपने कोल 2 हुंदे ने, उहदे बाद 8 हुंदे ने, फिर 8 हुंदे ने, पहले दे विच तां 2 आ गए पर इत्थे 8 नहीं, किन्ने बच गए 6 बच गए, तो अपने कोल 2 ते 6 जिहड़ा 4 जिहड़ा है वह बन जाएगा अपने कोल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। डोबरनियर ने की दिता सी, तिकड़ियां दित्तियां सी, ठीक है, डोबरनियर स्ट्रेट्स मतलब 3-3 दे जोड़े जिहड़े उहने दित्ते सी डोबरनियर ने। परमाणु संख्या की हुंदी है इलैक्ट्रॉनां दी संख्या, कई वारी पुछ लैंदे कि किसे जिहड़ा तत्त है उहदी परमाणु संख्या, व्हाट इज़ मीन बाय द अटोमिक नंबर ऑफ ए एलीमेंट, या किसे तत्त की परमाणु संख्या तो की पावे, तो वह हुंदा उहदे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, इलैक्ट्रॉनां दी संख्या किन्नी है, वह हुंदा परमाणु संख्या। ग्रुपां दी कुल संख्या किन्नी है अपने कोल 8 है, पीरियड्स दी कुल संख्या जिहड़ी है वो अपने कोल 7 है, ठीक है, ये चीज़ तुसीं याद रखियो, इहदे विचों एक क्वेश्चन जिहड़ा वो तुहाडे कोल पुछ लिया जाएगा, चाहे ग्रुप वाला पुछे, चाहे पीरियड्स पुछे, या परमाणु संख्या का पुछे, डोबरनियर ते वो जिन्ने भी मॉडल्स ने उहनां दे विचों एक क्वेश्चन जिहड़ा वो भी आ सकता है। उस तो बाद तुहाडा है कार्बन दा परमाणु संख्या अपने कोल 6 हुंदी है, नाइट्रोजन दी 7 होएगी, पहले तुसीं 20 याद कर लो, 20 या 25 याद कर लो, कोई भी जिवें भी कोई भी ट्रिक यूज़ करके तुहाडे अकॉर्डिंग तुसीं देख सकते हो, यूट्यूब ते वावर ट्रिक्स पईआं ने, पहले 20 जिहड़े ने वो याद कर लो, तो उहदे नाल तुहाडा जिहड़ा कम है वो हो जाएगा, उस तो ज़्यादा जिहड़ा वो पेपर दे विच नहीं पुछा जाएगा। नियोन दा 10 हुंदा है, सोडियम दा 4 हुंदा है, सॉरी 11 हुंदा है, ते एलमीनियम दा 13 हुंदा है। उस तो बाद है इलैक्ट्रॉनिक तरतीब यानी कि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा, मैगनीशियम 12 नूं तुसीं की लिखोगे 2, 8, 2, टोटल ये 12 बनना चाहिए, ठीक है, तुसीं इन्ने ही याद रख लो, पहले च 2 फिर 8 ते फिर 8, जेकर 2 पूरे करते उस तो बाद अगले च 8 नहीं तो जिन्ने बच गए वह लिख दो, जेकर 8 है गया तो मैक्सीमम 8 ही आएंगे दूजे शैल दे विच, उस तो बाद तीजे शैल दे विच जेकर 8 ने तो 8 रख दो, जेकर 8 नहीं है तो फिर तुसीं 2, 1, 2, 3, 4 जिन्ने भी बच गए ये दस भरन तो बाद जिन्हें भी बच गए रख दो, जिवें कि मैगनीशियम का अटोमिक नंबर परमाणु संख्या 12 है, तो पहले च 2 आ गए, दूजे च 8 आ गए, पिछे किन्ने बच गए, 8 ते 2, 10 हो गए, पिछे 2 बच गए, तो अपने कोल 2, 8, 2 आ गया। सिलिकॉन का 2, 8, 4 आ गया क्योंकि अटोमिक नंबर 14 हुंदा है, दोबारा जोड़ के भी देख लियो, ठीक है, एदे तो ज़्यादा नहीं आएगा, एने तुसी याद रख लो, एदे विचों तुहाडा जिहड़ा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, एदे तो ज़्यादा जिहड़ा वो नहीं पूछा जाता, जेकर ज़्यादा पूछा जाए तो एक होर याद कर लो, जिवें पहले दे विच 2 हुंदे ने, अगले च 8, उस तो अगले च 8 ते उस तो बाद 18, इस तो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, पहले शैल दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस तो अगले च 8 आ सकते हैं, उस तो अगले तीजे च भी 8 आ सकते हैं, तो चौथे च जिहड़ा वो 18 आ सकते हैं, इस तो ज़्यादा तुहाडे पेपर दे विच नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लगभग 20 जिहड़े ने उही पूछे जाते हैं, अटोमी जिहड़ी तत्त ने पीरियोडिक टेबल दे विचों पहले 20 पूछे जाते हैं, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा है बोरोन का तुहानू पुछया, 5 अटोमिक नंबर हुंदा, तो 2, 3 हो गया, कार्बन का 2, 4 हो गया, नियोन का 2, 8 हो गया, ठीक है। उस तो बाद है हैलोजन परिवार किहड़ा हुंदा, जिहदे विच फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ते आयोडीन हुंदियां, उन्हां नूं हैलोजन परिवार कहिंदे, एक क्वेश्चन आ सकदा इत्थे, वी इंपोर्टेंट है, बहुत चीज़ें इस चैप्टर दे विच इंपोर्टेंट है, या तुसीं कह लो कि सारा चैप्टर इंपोर्टेंट है, बहुत सारियां चीज़ां तुहानू याद करनियां पैणगियां। अल्कली तत्तां किहड़ियां हुंदियां ने, सोडियम हो गया, लीथियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, रुबेजियम हो गया, आरबी हो गया, ठीक है, ये अपने कोल ने अल्कली तत्त, ये तुहानू याद ही करना पएगा। अक्रियाशील गैसा, देखो अक्रियाशील साइड पर आदियां ने जिन्हों का ऑक्टेट 12 का जिहड़ा शैल है उहदे विच पूरे पूरे इलैक्ट्रॉन होण, जिवें 2 होण, 8 होण, 18 होण लास्ट वाले शैल दे विच, ठीक है, तो ये अपने कोल हुंदी है हीलियम, नियोन, आर्गन ते क्रिप्टोन,
ये याद रख लियो, बहुत बारी पेपर दे विच पूछा जाने चांसिस होंगे ने। उत्पादा उपदाता यानी कि उपदाता मतलब सैमी कंडक्टर इन्होंने पूछे ने कि अक्रियाशील गैसा तुम नोबल गैसिज भी कह सकते हो, ठीक है। नोबल गैसिज भी कई बार पेपर के इंग्लिश ही लिख देंगे ने। उपदाता कि ने सिलिकोन है, जर्मेनियम है, आर्सैनिक ने। हूँ उपदाता की होंगे ने, उपदाता यानी कि सैमी कंडक्टर जिन्हों की कंडक्टिविटी जी है वह मैटल तो नॉन मैटल यानी कि तातों के आदातों के विचकार जी है वो आती है, उन्होंने आप कहते हैं उपदाता। उस तो बाद तातों के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे ने, आप पहले भी कर चुके हैं, खारी होंगे ने। आदातों के जोड़े होंगे ने तेजाबी नेचर के होंगे ने। उपदाता सिलिकन जर्मेनियम, ठीक है। मैसले ने की दिता से, मैसले ने अपन आधुनिक आवर्ती सारनी जी दिती है, ठीक है। मूसले भी कई थान पर लिखा होंगे, मौसले भी कई थान पर लिखा होंगे, मैसले भी कई थान पर लिखा होंगे, ये प्रोनंशिएशन अलग अलग है, तुसी देख लियो, ठीक है। तत्तों का अर्धव्यास जोड़ा वो पीरियड के घटता है, परमाणु का आकार जोड़ा वो ग्रुप के बढ़ता है। यह चीज़ तुसी ट्रेंड्स जोड़े ने वो याद करने ने। तत्तों का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस जेकर आप गल करिए जोड़ा है वो पीरियड के घटता है, ठीक है। तो परमाणु का आकार जोड़ा वो ग्रुप के बढ़ता है, जिमें जिमें तुसी सोडियम तो पोटाशियम जाओगे या हाइड्रोजन तो हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम तो लीथियम, लीथियम टू बेरियम, जिमें जिमें तुसी अगे जाओगे तुहाडा परमाणु का जोड़ा आकार है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। खाली तो भरो, अगला अपने कोल है आदातों के ऑक्साइड की होंगे ने, तेजाबी नेचर के होंगे ने, मैं तुहानू दस चुकी हाँ। उस तो बाद डैश उपदाता हैं सिलीकोन या कार्बन, तो सिलीकोन उपदात होंगी है, सिलीकोन जर्मेनियम तो आर्सैनिक, तीन उपदाता होंदिया ने, ठीक है। वो तत् जो तातों के आदातों दोवों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं कि कहते हैं उपदाता, ठीक है। दोनों की गुण शो होंगे ने, कदे मैटल की तरह एक्ट करते हैं, कदे नॉन मैटल की तरह एक्ट करते हैं, कदे मैटल बन जाते हैं तो कदे नॉन मैटल बन जाते हैं, ठीक है। वो परिस्थिति अनुसार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके जो गुण धर्म ने उन्होंने बदल लेंगे ने। पहले पीरियड में कुल किन्ने तत् ने, दो या अठ, ये तुसी दसना है पहले पीरियड के कुल किन्ने तत् ने, दो है या अठ है, तो इतने अपने को आएगा आंसर नंबर दो। आधुनिक आवर्ती सारणी जो परमाणु संख्या से आधारित है किसने दिती, मोजले या मैंडलीव, तो वह अपन आधुनिक आवर्ती सारणी में हमने उन्हें तुम्हें दस के आई सी दिती है मोजले। आ देखो इतने नाम चेंज कर ला, उत्थे नाम होर सी, ठीक है। यदि प्रोनंशिएशन अलग अलग है तो अलग अलग लिखा जाता, तुम बस एक ले याद रखो, ले कि पिछे आएगा मोजले, मम्मे तो शुरू होएगा, ये चीज़ याद रखो, तो पिछले ले आएगा, मतलब वो आधुनिक आवर्ती सारणी की गल करे बिच अपने भावें कुछ भी चेंज करता रहे, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट अपने कोल है क्लोरीन 35 अते क्लोरीन 37, दोनों क्लोरीन दे डैश हैं, समस्थानक ने, ठीक है, समस्थानक ने, ओके। समस्थानक तो अनु पता होएगा, सेम अटोमिक नंबर, परमाणु संख्या सेम हुंदी है, तो डिफरेंट मास नंबर यानी कि परमाणु पुंज जड़ा है वो अलग अलग हुंदा है, सेम अटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। वो तत् जिसकी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब दो ते चार है, दो ते चार नूं जोड़ लो किन्ना बनता है, छे की अटोमिक नंबर है कार्बन का, तो इतने आंसर आ जाएगा कार्बन। तातां डैश हुंदियां ने, तन बीज लई या ऑक्साइड, तब वो मैटल्स जड़े ने वो इलैक्ट्रोपोजिटिव होंगे ने, तन बीज लई होंगे ने, ठीक है। किसी उदासीन परमाणु में मौजूद इलैक्ट्रॉना की कुल गिणती डैश कहते हैं, इलैक्ट्रॉना की कुल गिणती की कहोगे, उदासीन है वो किन्ने होणगे, एक इलैक्ट्रोपोजिटिव होंगे, एक इलैक्ट्रोनैगेटिव होंगे, एक तन बिजली होंगे, एक ऋण बिजली होंगे, तो वो विचकार एक जड़ा है वो अपने को आता है उदासीन। तो उदासीन दे विच इलैक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु विच मौजूद इलैक्ट्रॉना की संख्या नू कुल गिनती नू की कहेंगे, परमाणु संख्या कहा जाता है, इलैक्ट्रॉना की कुल गिनती परमाणु संख्या ही होंगी है, चीज़ रखियो याद। तुसी प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन की गिनती जी है वो परमाणु पुंज बन जाता है, मास नंबर बन जाता है, या पुंज संख्या जी बन जाती है। सोडियम की संयोजकता की होएगी, सोडियम के 11 इलैक्ट्रॉन ने, जेकर आप इन्हों फिल करिए पहले विच दो आ गए, अगले विच अठ आ गए, तो पहला एक। संयोजकता का मतलब होंगे वो किन्ने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वो किन्ने बंधन जोड़े वो बना सकता है। तो हुण अपने कोल ए ता पूरा फिल हो गया, इन्हें तो तुसीं छड्ड दो, इत्थे तां कोई थां है नहीं कि कोई दूजा बाहरों आके बैठ सके, आ जिहड़ा ये कल्ला पिया। हुण जदों भी आपां किसी भी लैवल दे विच इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करदे आ, उत्थे पेयरिंग दे विच हुंदा है, जिवें दो अठ होएगा, 18 होएगा, 32 होएगा, ईवन नंबर चलणगे, जोड़े चलणगे, पर इत्थे की आ गया ओड नंबर आ गया, मतलब कल्ला रह गया। हुण इस कल्ले नूं की करेगा, कोई ना कोई कंपनी देन आएगा, मतलब एक बोंड बनाएगा किसी ना किसी दे नाल, तां इहदी संयोजकता जिहड़ी की होएगी, एक होएगी। जिन्ने वो बोंड बनाएगा उन्नी उहदी संयोजकता यानी कि उहदी वैलेंसी हुंदी है, जिन्ने नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन बाहरी शैल दे विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन तुहाडे होगे, जिवें सोडियम दे विच एक सी तां उहदी एक आ गई, पोटाशियम दे विच दो आणगे तां उहदे दो जिहड़ी है वो संयोजकता या वैलेंसी हो जाएगी। तां तुसीं देखना नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द लास्ट शैल और वेलेंस शैल, यानी कि लास्ट जिहड़ा तुसी
इलैक्ट्रॉन फिल किए हैं वो किन्ने इलैक्ट्रॉन ने वोड़ी संयोजकता होंगी है। ठीक है, सही तो गलत तुम्हें चुनना है। दूजे ग्रुप में मौजूद सारे तत्तों की सब तो बाहरली सैल में दो इलैक्ट्रॉन होंगे हैं, ये चीज़ सही है। दूजे के दो हो, तीजे के तीन हो, चौथे के चार हो, इदा वधते जाते हैं। ठीक है, पहले दे विच एक हुंदा है। नोबल अते अक्रियाशील गैसां दा सब तो बाहरी सैल पूरा भरिया हुंदा है। देखो, नोबल या अक्रियाशील उदों ही बनेगी जदों उन्हां दा ऑक्टेट पूरा होएगा। ऑक्टेट एक रूल सी, उहदे अकॉर्डिंग की है कि तुहाडा बाहरला सैल जिहड़ा पूरा होना चाहिए, चाहे उहदे विच दो इलैक्ट्रॉन होवे, अठ होवे, अठारह होवे, बाहरला सैल पूरा होना चाहिए। मतलब बाहरों आके कोई तुहाडे नाल रिएक्ट ना कर सके। नोबल बंदा तुसीं किहनूं कहिंदे हो? जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिंदा उहनूं अपने नाल, मतलब वो आपका काम करता, नोबल परसनैलिटी। तुसीं आपका माई नोबल टीचर लिख दिओ या ये चीज़ लिख दिओ, मतलब वो किसी दे नाल कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, वह नोबल हुंदा। अक्रियाशील भी जिवें तुहानूं लिख के दित्ता होया, अक्रियाशील मतलब जो क्रिया नहीं करते। क्रिया कदों नहीं करनगे? जदों सारे मतलब जोड़े भरे होणगे, कोई कल्ला होएगा ही नहीं तां उहनूं साथी की जरूरत होएगी नहीं। इलैक्ट्रॉन सॉरी क्लोरीन 17 की इलैक्ट्रॉनी तरतीब 2, 9 ते 6 है। काउंट कर लो, कदे भी दूजे दे विच 9 नहीं आते, दूजे दे विच 8 आते हैं, तो इत्थे आके गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत होएगी। ओके, अपने कोल 2, 8 ते 7 होएगा। इहदा कार्बन 2 ते 4, सिलिकॉन 2, 8, 4 रसायनिक रूप नाल इक्को जिहे हन, बिल्कुल सही ने, क्योंकि बाहरले शैल दे विच दोनों दे कोल किन्ने है? 4-4 इलैक्ट्रॉन है। आपां बाहरला देखना है। ठीक है, तातां दे ऑक्साइड खारी अते अदातां दे ऑक्साइड तेजाबी हुंदे हन, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ग्रुप दे विच खब्बे तो सज्जे वल जांदे होए तत्तां दा तात्वी सुभाग घटदा है। मटैलिक करैक्टर जिहड़ा है ग्रुप दे विच, जदों आपां लैफ्ट टू राइट जांदे आ तां तात्वी मटैलिक करैक्टर जिहड़ा तात्वी सुभाग जिहड़ा है वह घटदा है। ग्रुप विच उपर तो हेठां वल जांदे आ तत्तां दा तात्वी सुभाग वधदा है, बिल्कुल ये भी वधदा है। वैन वी मूव अप टू डाउन जदों आपां मूव करदे आ तां मटैलिक करैक्टर जिहड़ा वह इनक्रीज़ हो जांदा है। आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्तों के गुण उन्होंने परमाणु पुंज के आवर्ती फलन होंगे ने। आधुनिक आवर्ती सारणी के यही तो दसया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कि जोड़े मैटल्स के प्रॉपर्टीज़ हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स होनगियाँ सॉरी, या तत्तों के जोड़े गुण होने परमाणु पुंज के आवर्ती फलन हो। देखो, जी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जोड़ा है वो अपना बेस्ड है अटोमिक नंबर के उपर, ठीक है, तो मास नंबर के उपर, या आप कह सकते हैं अटोमिक मास के उपर कि मास किन्ना किन्ना होएगा, तो वो बेसिक चीज़ की है। वैसे तो अरेंज तो उन्होंने अटोमिक नंबर के हिसाब नाल किते ना, एक नंबर ते, दो नंबर ते, तीन नंबर ते। ठीक है, सो आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्तों के जोड़े गुण हैं, जोड़े एलीमेंट्स के करैक्टर्स होणगे वो परमाणु पुंज ते यानी कि अटोमिक मास से डिपेंड करनगे, आवर्ती फलन होणगे यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होणगियां। आवर्ती का मतलब होता है पीरियोडिक, जिहड़ी एक समय, सॉरी ये गलत है, ये परमाणु संख्या दे हुंदे, अटोमिक नंबर दे हुंदे, मैं पहला सही बोलिया सी, ये गलत है। ठीक है, परमाणु संख्या दे हुंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस दे हिसाब नाल रखिया। ठीक है, मेंडेलीव ने अपनी आवर्ती सारणी तैयार करने लई कैड़ा मापदंड अपनाया सी? हुण मेंडेलीव दा जिहड़ा परमाणु टेबल बनिया होया सी अपने कोल, उहदे विच पुंज संख्या जिहड़ी है वह लई गई सी, यानी कि मास नंबर लिया गया सी, परमाणु संख्या हुण लई गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे विच। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट अपने कोल है आवर्ती सारणी विच तत्तां दे तत्तां नूं उहनां दे गुणां दी डैश दे आधार ते वर्गी कीता गया। आवर्ती सारणी विच समानता जिहड़े इक्को जे होणगे उहनां नूं नाल रख्या, ठीक है, इक्को इक्को जे, जिवें 9वीं क्लास दे विच 9वीं दे बच्चे हुंदे ने उहनां दे नॉलेज दा लैवल, उहनां ने 8वीं पास कीती है तां उह इक्को तरह दे होगे, जिन्हां ने 7वीं पास। तो परमाणु संख्या का संबंध प्रोटोनों की संख्या के नाल है या इलैक्ट्रॉनों की संख्या के नाल? उपरोक्त दोनों या कोई नहीं, तो परमाणु संख्या जिहड़ी है वह प्रोटोनों की संख्या भी हो सकती है, इलैक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है। कोई भी जिहड़ा एलीमेंट तुहाडे कोल है, तत् कोई भी है तुहाडे कोल, उहदे इलैक्ट्रॉन अते प्रोटोन जिहड़े ने उह सेम ही तुसीं लैके चल सकदे हो। ठीक है, डोबरनियर दीआं तिकड़ियां विच डैश तत्तां दे समूह बनाए गए सी, तिकड़ियां है तो तीन तत्तां दे समूह जिहड़े उह बनणगे। आधुनिक आवर्ती सारणी विच 18 लंबात्मक क्लासां नूं की किया जांदा है? लंबात्मक है, ठीक है, परपेंडिकुलर ने, तो परपेंडिकुलर ग्रुप होणगे, पीरियड होणगे, तातां होणगियां या अदातां होणगियां, तो ये तुहाडे पीरियड्स होणगे। परपेंडिकुलर पीरियड्स हुंदे ने, होरिजोंटल जिहड़े ने उह तुहाडे ग्रुप्स हुंदे आ। ठीक है, आधुनिक आवर्ती सारणी दा सिरजनहार कौन है? तो इत्थे की आएगा? मोसले, हैनरी मोसले या हैनरी मूसले। ठीक है, बहुत छोटे तरह वाले प्रश्न। N7 का इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 ते 5 आ जाएगी अपनी। फास्फोरस की जिवें तुसी लिखनी है 15 है तो 2, 8, 5 हो गया। नोबल या अक्रियाशील गैसां नूं किस ग्रुप विच रख्या गया? 18 ते इहनूं नोबल गैसिज़ भी कहिंदे ने। ठीक है, या अक्रियाशील गैसिज़ या नोबल ग्रुप भी इहनूं कहा जांदा है।
मैगनीशियम की संयोजकता लिखनी है तुसी, तब 2-8 आप फिल करते बारले बारले इलैक्ट्रॉन च किन्ने इलैक्ट्रॉन है, शैल 2 इलैक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 होगी। किसी ग्रुप विच उपर तो हेठां वल जाण नाल परमाणु के आकार ते की प्रभाव पैंदा है, तो किसी भी ग्रुप दे विच तुसी मूव करोगे, ठीक है, ग्रुप्स अते पीरियड्स हुंदे ने, तो कदों भी मूव करोगे तो परमाणु का आकार जिहड़ा वधदा जाएगा, तुसी इदां मूव करोगे परमाणु का आकार वधदा जाएगा, ठीक है। उपर तो हेठां वल नहीं हुंदा, इत्थे थोड़ा जिहा तुसी चेंज कर लियो, सज्जे तो खब्बे हुंदा या खब्बे तो सज्जे हुंदा, ठीक है। जब तुसी इधर तो इधर जाओगे ये परमाणु जिहड़ा आकार है ये वधदा जाएगा, ठीक है। नैक्सट है पीरियड विच सज्जे तो खब्बे पासे वल जाण ते परमाणु का अर्ध व्यास, इत्थे तुसी सज्जे तो खब्बे नहीं उपर तो नीचे कर लियो, ठीक है, उपर तो नीचे कर लियो, थोड़ी सी टाइपिंग मिसटेक है, इत्थे कटदा जांदा है, ठीक है। परमाणु व्यास अर्ध व्यास जिहड़ा है वह कटदा जाएगा। ग्रुप के उपर तो हेठां वल जाण ते संयोजकता किस प्रकार बदलती है, तो ग्रुप विच उपर तो हेठां जाण लई सज्जे तो खब्बे जाण लई संयोजकता बदलती नहीं है, भाव इक्को ही रहिंदी है, ठीक है। ये पीरियड दे विच आएगा तुहाडा ग्रुप ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਅਤੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7 ਪੀਰੀਅਡਸ 18 ਗਰੁੱਪ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7, ਪਰ 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 0 ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦੇ। ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ 2 ਨੇ ਤਾਂ 2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ 1, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੈਨ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ 2, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੈਨ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ 3। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸ ਸੂਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2n² n ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇ, ਐਲ, ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ। ਇੱਥੇ 1, 2, 3 ਅਤੇ 4 ਇਹ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੇ ਦੇ ਲਈ ਐਨ 1 ਹੁੰਦਾ, ਐਲ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੁੰਦਾ, ਐਮ ਦੇ ਲਈ 3 ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 23C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸ਼ਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ 8-8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾ ਮਤਲਬ ਸਾ ਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ 7 ਸੁਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਆਏਗਾ, 8ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਡਬਰਨੀਆ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਕੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਪਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬੋਰੋਨ, ਸਿਲੀਕੋਨ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। 5 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸ 3 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਮੈਥ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 6 ਚੈਪਟਰ, ਕੱਲ੍ਹ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 35 ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 35 ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਥ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।